हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है आस्था और आज चलिए देखते हैं कैसे खेलनी है ये बोर्ड गेम जो बच्चों के लिए हैं और उन्हें स्क्रीन से दूर रखती हैं। इट्स कॉल्ड मंकी मेमोरी। मंकी मेमोरी 2 से 8 प्लेयर्स की किड्स बोर्ड गेम है जो उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करती है। जिस भी बच्चे की बेस्ट मेमोरी होने की वजह से सबसे ज्यादा पॉइंट्स हो वो होंगे विनर। देखते हैं गेम के कंपोनेंट्स और उसका सेटअप। मंकी मेमोरी में 3 टाइप के कार्ड्स आते हैं। ऑब्जेक्ट कार्ड्स, जिसमें हर कार्ड की 2 कॉपीज हैं, सॉल्यूशन कार्ड्स और पॉइंट्स कार्ड्स। पॉइंट्स कार्ड्स फिलहाल साइड में रख दीजिए। सब प्लेयर्स को एक सॉल्यूशन कार्ड देना है और रिमेनिंग सॉल्यूशन कार्ड्स को बॉक्स में रखना है। स्टार्ट में एल्डेस्ट प्लेयर डीलर होंगे, तो वो सारे ऑब्जेक्ट कार्ड्स में से 3 ऑब्जेक्ट्स के पेयर्स को सबको बताकर गेम में से निकाल देंगे। अब बचे हुए 7 पेयर्स में से एक सेट को लाइन में रख देना है जिससे सब आसानी से देख पाए। इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। मैचिंग सेट के ऑब्जेक्ट्स में से डीलर एक कार्ड बिना देखे और बिना किसी और को दिखाए निकाल देंगे। अब हम खेलने के लिए तैयार हैं। डीलर उनके हाथ से 6 कार्ड शफल करके एक एक कार्ड इस तरह खोलेंगे। लास्ट कार्ड दिखाने के बाद वो सारे कार्ड्स टर्न कर देंगे। सब प्लेयर्स इंक्लूडिंग डीलर अब याद करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मिसिंग है, कौन सा कार्ड है जो ऑब्जेक्ट लाइन में दिख रहा है पर जो कार्ड्स अभी खुले उसमें नहीं था। वो अपने सॉल्यूशन कार्ड पर उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे और एक साथ सब उनका आंसर दिखाएंगे और फिर साइड पे रखा हुआ 7वां कार्ड खुलेगा। जिन्होंने भी सही आंसर दिया उन्हें 1 पॉइंट का कार्ड मिल जाएगा, गलत आंसर देने पे कुछ नहीं मिलेगा। अब हमारे साथ वीडियो में अभी एक राउंड खेल सकते हैं। ये है हमारी ऑब्जेक्ट लाइन, एक कार्ड साइड पे रख दिया और ये है बचे हुए कार्ड्स, इन्हें ध्यान से देखना। स्क्रीन पर बने सॉल्यूशन कार्ड पर आप राइट आंसर पॉइंट कर सकते हैं और हम 5 सेकंड्स में आपको राइट आंसर बताएंगे। मिसिंग कार्ड था बैग। क्या आपको सही आंसर मिला? हमें कमेंट्स में बताइए। हर पॉइंट कार्ड पर सामने 1 पॉइंट लिखा है और पीछे 5 पॉइंट्स। अगर किसी को 5 पॉइंट्स या उससे ज्यादा मिले वो 5 का साइड यूज कर सकते हैं। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेक्स्ट प्लेयर डीलर बनेंगे और ऐसे ही गेम कंटिन्यू होगी। गेम खत्म हो जाएगी जब हर प्लेयर 2 बार डीलर बन चुके हैं। फिर सब प्लेयर्स के पॉइंट्स काउंट होंगे और जिस बच्चे के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स हो वो होंगे विनर। डिफरेंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कार्ड्स के साथ खेलकर आप गेम की डिफिकल्टी चेंज कर सकते हो। इजी बनाने के लिए कम कार्ड यूज करना और डिफिकल्ट बनाने के लिए ज्यादा कार्ड यूज करना, और ऐसे ही आप गेम बार बार खेल सकते हो। और ऐसे खेलते हैं मंकी मेमोरी। होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ये गेम पसंद आई है, आप इसे खरीदना चाहते हो, इसकी खरीदने की लिंक अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। ये गेम और ऐसी बहुत सारी किड्स गेम्स जो हैं वो हमारी एक सीरीज का पार्ट है विद यस पापा गेम्स, जो है फ्रीडम फ्रॉम गैजेट्स। तो यस, बिकॉज आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि बच्चे पूरे टाइम स्क्रीन पे लगे रहते हैं, गैजेट्स पे लगे रहते हैं बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए, इसलिए हम एनकरेज करते हैं उन्हें टू प्ले दीज बोर्ड गेम्स। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो और जानना चाहते हो आप कौन सी बोर्ड गेम्स ले सकते हो फॉर योर किड्स, कौन सी गेम उन्हें पसंद आ रही है, मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगी। हमने बहुत सारे और वीडियोस किए अबाउट गेम्स फॉर किड्स, गेम्स फॉर लर्निंग, तो आप जाके वो देख सकते हो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यहाँ आके हमारे साथ ये बोर्ड गेम्स खेलना चाहते हो, कुछ गेम्स ट्राई करना चाहते हो, तो आप आ सकते हो चाय एंड गेम्स बोर्ड गेम कैफे में, जो है एनविले पार्ले मुंबई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू सून।